एक कार 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है तो 2 घंटा 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें बोला है कि एक कार 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, प्रति घंटे का मतलब हुआ कि 1 घंटा में 180 किलोमीटर चलती है, ठीक है। 1 घंटा में 180 किलोमीटर यह कार चलती है तो 2 घंटा 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 घंटा में 180 किलोमीटर चल रही है तो 2 घंटा में कितनी चलेगी, 180 का डबल हो जाएगा 360 किलोमीटर। तो 2 घंटा में 360 किलोमीटर चलेगी। 15 मिनट का भी और निकालना है तो देखिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो यानी 60 मिनट में 180 किलोमीटर ये कार चल रही है तो 1 मिनट में कितनी चलेगी, 180 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 18 कट गया 3 बार में, तो 1 मिनट में 3 किलोमीटर चल रही है। तो 15 मिनट का निकालना है तो क्या करेंगे, 1 मिनट में 3 किलोमीटर तो 15 मिनट में 3 को 15 से गुणा कर देंगे, 15 = 45 किलोमीटर। तो यह कार 15 मिनट में 45 किलोमीटर चलती है और 2 घंटे में 360 किलोमीटर, तो दोनों को प्लस कर देंगे 360 + 45 तो 0, 5, 5, 6, 4, 10 के 0, 1, 1, 3, 4 तो टोटल 405 किलोमीटर 2 घंटा 15 मिनट में चलती है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।